राणा जी, अभी सामने जिस तरह से विधानसभा चुनाव आ रहा है, कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में लगी है, तो वहीं कार्यकर्ता अब नाराज हो रहे हैं, मुखर हो रहे हैं, इस्तीफे का दौर चल रहा है, नियुक्तियों को लेकर नाराजगी है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत ही जोश खरोश के साथ विधानसभा में चुनाव कर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत सराईपाली विधानसभा में दिलाई। तो जब कार्यकर्ता इतनी बड़ी जीत दिलाते तो बहुत बड़ी आशा उम्मीद उनको भी रहती है कि सत्ता में हमारी पार्टी आई है, कुछ ना कुछ पार्टी के पदों का लाभ उनको भी मिलेगा। लेकिन अभी देखने को मिला जो अभी जो नियुक्तियाँ हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनको साइड लाइन लगा करके जो बीजेपी से आयतित हैं या बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनको नियुक्तियाँ दी गई हैं, जिसकी नाराज़गी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। नाराजियों को ऊपर पदाधिकारियों तक पहुँचाया गया है, देखते हैं क्या होता है आगे। आपके शहर अध्यक्ष जो कार्यकारी शहर अध्यक्ष हैं या ग्रामीण अध्यक्ष, उनका कहना है कि न उनसे राजकुमारी ले गई, न उनसे पूछा गया, नियुक्ति मनमाने ढंग से हुई है और उसको लेकर आप लोग इस्तीफे तक देना शुरू कर दिए हैं। देखिए, हम तक भी खबर आ रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और पूरी बात ऊपर हाईकमान तक पहुँचाएंगे और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है जो कि गलत है, और जल्दी अगर पार्टी के बड़े पदाधिकारी इसको निराकरण नहीं करते तो इसका खामियाजा हमें विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। राणा जी, हिसाब से शहर अध्यक्ष हैं चाहे ग्रामीण अध्यक्ष, उनका बोलना है कि उनसे राजकुमारी तक नहीं ले गई, तो क्या उनसे राजकुमारी ले जाना चाहिए था, क्या आवश्यकता नहीं? जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, चाहे अभी वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष अमृत पटेल हैं या जो भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे राजकुमारी होना एकदम आवश्यक है, क्योंकि वो जानते हैं कौन कार्यकर्ता किस जगह पर किस तरह पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसका बेस क्या है, वो कितना पुराना है, और वही हमारे लिए काम करते हैं, आगे चुनाव में भी काम करेंगे। लेकिन उनकी अनदेखी हुई है और निश्चित रूप पर ये अनदेखी सामने देखने को मिल रहा है, विरोध जो उभर कर रहा है वो अनदेखी का कारण है।